grand and majestic fort. ये पुरानी दीवारें, दरवाजे, कुछ तो है इस फोर्ट में जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। I wonder, without any mechanical support, ये फोर्ट किस तरह बना होगा? What a marvelous piece of architecture! A lot of questions in my mind. Let's find out what Kharpocho has to offer. इस वक्त मैं मौजूद हूँ खरपोचो फोर्ट के बिल्कुल टॉप पे एंड ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल और मैजेस्टिक फोर्ट है जो स्कर्दू सिटी से तकरीबन 40 मीटर्स की हाइट पर वाक़े है। और इस फोर्ट को स्ट्रेटेजिकली बिल्ड ही ऐसे किया गया था कि ये टॉप पे बना जाए ताकि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स थी स्कर्दू रीजन के आसपास से उनको इस फोर्ट तक रीच करने में मुश्किल दरपेश हो और दुश्मन जो है उनको उनके लिए रास्ता ऐसे नैरो वैलीज उन हाइक, जैसे आपने देखा मुझे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस हो रहा था व्हेन आई वाज हाइकिंग अप। दे मेड इट लाइक दिस ताकि लोगों इतने सारे से ना ऊपर फोर्ट तक आ सके। एंड बेसिकली इस फोर्ट को बनाया गया अली शेख खान ने, जो कि तब 17वीं सेंचुरी में एंशिएंट पीरियड में इस एरिया को रूल कर रहे थे। और लोकल्स कहते हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं कि उनके परदादा ने एक्चुअली ये फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया, जो अली शेख खान ने ऑफ कोर्स उनकी मलकियत थी, वो यहाँ रहते थे। एंड इस फोर्ट की और भी बहुत हिस्ट्री है, आगे जाके और एक्सप्लोर करते हैं एंड मैं आपको इस फोर्ट की और कहानियाँ सुनाती हूँ। वाओ, मेरा एक्सपीरियंस खरपोचो फोर्ट में सो फार हैज़ बीन अमेजिंग। यहाँ के हर एक एक इंच में, हर एक एक कॉर्नर में बल्टी कल्चर और उनकी हिस्ट्री की एक झलक नज़र आती है हमें। एंड यहाँ के जो लोकल्स हैं जिन्हें हम बल्टी कहते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दिस होल रीजन इज़ बल्टिस्तान, बल्टी से कि जब वहाँ के राजाज यहाँ पे रहते थे ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, देयर वाज अ सीक्रेट टनल जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था फ्रॉम दिस फोर्ट खरपोचो फोर्ट टिल द स्कर्दू सिटी। एंड इस ये टनल कहाँ है इसके बारे में ये राजों तक ही रह गया, उनके साथ ये सीक्रेट भी आई गेस दफन हो गया है बिकॉज जो बल्ती लोग हैं उन्हें कहते हैं कि इवन वी डोंट नो वेयर द टनल इज़ बट वी नो देयर इज़ अ टनल। नाउ आई वांट यू टू फॉलो मी बिकॉज आई वांट टू टेक यू टू अ वेरी स्पेशल रॉक, सो फॉर दैट फॉलो मी अलॉन्ग। ये है वो स्पेशल रॉक जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, विच इज़ दिस। ये जो रॉक है ये बहुत स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके ऊपर 2 ज़ुबानें लिखी गई हैं, बल्ती ज़ुबान जिसके इंस्क्रिप्शन है एंड फ़ारसी। एंड जो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको इंस्क्रिप्शन नज़र आ रही है वो फ़ारसी की है। एंड आप ये लोग आप ये सोच रहे होंगे ये फ़ारसी ज़ुबान की लिखी गई है क्योंकि ये रीजन बल्तिस्तान का है तो फ़ारसी कहाँ से आ गई, वह इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी वो ये है कि ड्यूरिंग द डोगरा पीरियड, जब यहाँ डोगरा के ऑक्यूपाइंग फोर्सेस यहाँ के उन्होंने कब्ज़ा किया था इस फोर्ट का, तब उन्होंने फ़ारसी जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, जिसकी वजह से ये आपको इंस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी अ मिक्सचर ऑफ बोथ लैंग्वेजेस एंड कल्चर।1948 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तब यहाँ के जो ऑक्यूपाइंग डोगरा फोर्सेस थे उनको निकाला गया था। दे वर फाइटिंग अ सीज ओवर हियर, एंड तब बिकॉज ऑफ दैट इंटायर वॉर जो इस इलाके में हो रही थी, उसकी वजह से सम ऑफ दिस रूम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, वो भी बर्न हो चुके थे। एंड मैं जब ये रूम्स को देख रही थी और मैं विटनेस कर रही थी इसके वुड क्रेविंग्स और जिस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको देखने के बाद आई रियली फेल्ट दैट येस, दिस फोर्ट इज़ अ सिम्बल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कल्चर। जो बल्टी कल्चर है वो इस फोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इतनी मैं इमेजिन कर रही थी कि कितना स्ट्रगल और चैलेंजेस से गुजरी होंगी तब पिछले जो अब हमारी जो हिस्टोरिकल रूलर्स हैं, एंड इतने सारे जो पीरियड हमारा चला है ऑफकोर्स ऑफ द आंचल पीरियड, एंड डोगरा जो यहाँ पर आए थे राजपूत क्लैन के यहाँ पर रूल करने के, उन लोगों की जदोजहद एंड ऑफकोर्स अली शेख खान जिनके दादों ने इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया, उस सब में कितनी हिस्ट्री थी और कितने लोगों ने इस फोर्ट के ऊपर नज़र रखी। कहते हैं कि एम्परर औरंगज़ेब ने भी ट्राई किया था कि वो इस फोर्ट पे आके कब्ज़ा कर सके, लेकिन क्योंकि इतना मुश्किल रास्ता था और इतनी ऊंचाई पे फोर्ट था, वो नहीं कर सका।